कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land, और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। श्रावण मास की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। तो आज पहले जो मैं डिश बनाने वाली हूँ ना, वो भी उन्हीं में से एक है और उसका नाम है डिंड। उसके लिए मुझे चाहिए चने की दाल। चने की दाल, ये डिंड ना एक कोंकणी डिश है जो कि कुछ कुछ पूरनपोली की तरह है। एक्चुअली काफी कुछ पूरनपोली की तरह है, लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी बताती हूँ। मैं ले लेती हूँ करीब 2.5 कप चने की दाल। इसको धो लेते हैं। चने की दाल को थोड़ा सा उबाल लेते हैं। अब मैं जरा आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक। इसके लिए जो आटा होता है ना, वो ना तो ज्यादा सख्त होता है ना ज्यादा लूज, तो बड़े एहतियात से आटा गूंदना पड़ेगा। इस पे एक कपड़ा भिगो के रख देते हैं। दाल हो गई है एकदम तैयार। इसका मैं ये पानी निकाल लेती हूँ। मैं एक्चुअली ना दिन के लिए जो स्टफिंग है वो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा घी जाएगा इसमें और ये दाल। अभी इसमें करीब 1.5 कप जैगरी चली जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूं पहले, उसके बाद इसको अच्छे से मैश करना है। अरे वाह, आज तो चिड़िया भी मेरे साथ नागपंचमी मना रही है। अभी मुझे इसमें डालना है इलायची पाउडर, जायफल और ये बादाम, काजू और पिस्ता जो है ये मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। ये मैंने कल ही काट के रख लिए थे ताकि आज जब मैं ये चीज़ें बनाऊं तो मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाए। और मुझे
छुरी का इस्तेमाल ना करना पड़े। चलो अब मैं बना लेती हूँ डिन। आटा भी अच्छे से आराम करके अच्छा सा हो गया। ये एक्चुअली पूड़ी के ही साइज का कर सकते हैं। बेसिकली चारों तरफ से मोड़ के एक लिफाफा बनाना होता है जिसमें गुड़ और दाल की स्टफिंग है। पहले मैं इन्हें स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। अभी इसमें हल्का सा घी लगा देते हैं। This is almost done. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये हो गया। इसको अभी निकालती हूँ। सारे तो नहीं जा सकते ना तस्वीर में, पेट में जा सकते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी। मैंने ये पिस्ता भी रखे हुए हैं ब्लांच किए हुए, और वही मेरे फेवरेट रोज पेटल्स। आई डोंट बिलीव दिस कि मैंने अपना काम छोड़ दिया इसके लिए। अब छोड़ ही दिया है तो पहले इसको चख के देख ही लेती हूँ कि कैसा है। जितना दिखने में सुंदर है ना, खाने में वेरी नाइस। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।